दोस्तों, आज मेरे पास में एक डायनेमिक पंजाबी पर्सनालिटी हैं बॉलीवुड से। मैं इनके बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज इनकी आवाज़ एक बिल्कुल शेर की तरह बुलंद है। इनफैक्ट इनकी आवाज़ की वजह से और इनकी स्वीटनेस की वजह से आप लोग इनको पहचान ही लेते हैं। दोस्तों, इनकी जो शुरुआत हुई थी ना, 35 साल पहले पहली फिल्म ड्रीम गर्ल से शुरू हुई थी, जिसमें उनका कैरेक्टर का नाम था जंग, राणा जंग। और लास्ट फिल्म, अभी जो मतलब लास्ट फिल्म नहीं बोलेंगे, जो अभी रीसेंट जो फिल्म उन्होंने करी 2 साल पहले, वो थी फटा पोस्टर निकला हीरो। दोस्तों, ये हीरो तो हैं ही हैं, प्लस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दावे के साथ, ये बेबाक हैं। और आज आपके सामने ये और एक्टर की इतना सिर्फ एडवाइस नहीं, बल्कि बहुत ऐसी गहरी बात आपको शेयर करने वाले हैं जो सिर्फ आपके लिए और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे पहले कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पार्टनर मिस्टर निखिल नारायण को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए उजागर किया है। और आप जैसे लोगों के लिए एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग सिर्फ बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको इस शख्सियत के सामने आपको रूबरू कराता हूं, जिससे आपको उनसे प्यार हो जाएगा। ये असली में बिल्कुल निडर हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं, मिस्टर राणा जंग बहादुर जी। वेलकम सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राणा जी, पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं आपके पास मिलने के लिए आया तो आपने सबसे पहला जो शब्द ये बोला था कि मैं जिम करके आ रहा हूँ। पहले जानना चाहेंगे कि आपकी एज क्या है और ये जिम का क्या मतलब, ये मांजला क्या, बेनिफिट क्या है इससे? देखिए, एज तो बतानी नहीं चाहिए, लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, आदमियों से भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम यंग लगने की कोशिश करते हैं। आप यंग है भी आप। और क्या है कि जिम एक फिजिकली आदमी फिट रहता है, ओके, तो एक एनर्जी रहती है, और आज की डेट में हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखना ही चाहिए। यंग ब्लड हो, भले मजोर आदमी हो या मिडिल एज हो हमारी तरह, तो जिम जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रेगुलर पिछले काफ़ी सालों से जिम करता रहता। वेरी वेरी नाइस, बट बहुत अच्छी लगा की बात कि आप इस एज में भी मतलब आप फिर भी इतने चुस्त और बिल्कुल दुरुस्त हैं और बिल्कुल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं जानना चाहूँगा राणा सर कि आप इंडस्ट्री में, आपके जहाँ तक मुझे पता है कि आपके कोई पुश्ते दादा दादी या पापा मम्मी कोई फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएट नहीं है, जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई 35 साल पहले, मतलब ये आप रहने वाले कहाँ के हैं और कैसे आप मुंबई आए और शुरुआत कैसे हुई आपकी है? बेसिकली क्या है कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में एक जगह है मालेरकोटला, वो लुधियाना और पटियाला के बीच है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ प्लेज किया करता था और सिंगिंग किया करता था, ओके। तो बीए में मैंने सिंगिंग सीखी, क्लासिकल म्यूजिक रखा, ओके। तो आई वाज वेरी गुड सिंगर, ओके। तो कोई भी फंक्शन होता था, कॉलेज फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल हो, तो हर जगह में सिंगिंग में अपना भाग लिया करता था, ओके। तो प्लेज भी करते थे, तो प्लेस भी हमारे वन एक्ट प्लेस वहाँ जाते थे। तो वहाँ से करते करते मुझे एक्टिंग का शौक पड़ गया, okay। तो फिर सिंगिंग तो मैंने एक साइड पे कर दी, तो फिर मैं आके पटियाला यूनिवर्सिटी में एमए ड्रामेटिक्स किया, okay। पटियाला यूनिवर्सिटी में एमए ड्रामेटिक्स है, okay। तो वहाँ स्टेज 2 साल स्टेज के प्लेस किए 4-5। उसके बाद मैंने सोचा यार मुझे लगता है कि यही लाइन है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। Right. देखो 10-12 साल का जब बच्चा होता है उससे पहले तो दिमाग उसका पूरा प्रफुल्लित नहीं होता है। जब 10-12 साल का बच्चा होता है तो उसके मन में सबसे पहले ड्रीम्स आने शुरू होते हैं। Correct. तो ड्रीम्स तभी आने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, दुनिया को देख के इधर उधर करके, जो क्योंकि उसका मन होता है, मन जो दिमाग में बात आती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हर ह्यूमन बीइंग अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है। जो एक फोर्स होती है, correct, आपकी ड्राइविंग फोर्स, वो ड्रीम्स होती है, correct। तो मेरा ड्रीम ये था, तो हालांकि मैंने एमए ड्रामेटिक्स किया, एमए पंजाबी लिया, देन आई वाज लेक्चरर इन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला,
आई लेफ्ट दैट जॉब ओनली फॉर दिस ड्रीम के मैं बॉम्बे जाता हूँ, वहाँ जाके देखो एक्टर तो मैं स्टेज पे था ही, तो फिल्मों में चांस लेते हैं। ओके, तो ये वर्डिंग भी बहुत लोग बोलते हैं मैं यहाँ एक्टर बनने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक्टर बेसिकली आप होते हैं या नहीं होते हैं। बेसिकली एक्टर तो थे, स्टेज पे 10-12 साल काम किया, उसके बाद फिल्मों में चांस लेने आया था। तो यहाँ आके मेरे को, यानी देखा जाए तो आई केम टू बॉम्बे इन 81, तो पहली फिल्म मेरे को जाके मिली थी 87 ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल पहली फिल्म थी? हाँ, नहीं हेमा मालिनी वाली नहीं, इट वाज अ स्मॉल बजट मूवी ड्रीम गर्ल। हाँ वो मिली थी। अब जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बोला कि एक्टिंग और सिंगिंग का भी शौक था, तो सिंगिंग का ये शौक, मतलब ये मतलब यू वर अ गुड बाथरूम सिंगर और लाइक क्या थे आप, कैसे ये मतलब कि एक्टिंग का ड्रीम तो समझ में आता है कि हर किसी को जज्बा होता है कि मैं एक रियल और रियल हीरो भी बनूं, लेकिन सिंगिंग का क्या था, आप बाथरूम सिंगर थे? नहीं, बाथरूम सिंगर नहीं था। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता था जहाँ मेरी मतलब मेरा गाना नहीं होता था। अच्छा, क्योंकि आई वॉज वेरी पॉपुलर इन कॉलेज ऑल्सो, यूनिवर्सिटी ऑल्सो, और यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में मतलब मैं भाग लेता था और वहाँ प्राइज भी लेके आता था। तो तबला मैं बजाना सीखा, क्लासिकल सिंगिंग सीखी, तो गजलें गाया करता था, लोग भी सुना करते थे, ऐसा नहीं था कि मैं पाता, आई वॉज ए प्रोफेशनल सिंगर। तो ये जो आपने बोला कि सीखने का शौक, तबला या हारमोनियम जैसे आपने बोला नई नई चीज़ें सीखने का, ये जज्बा जो है पहले से ही था अंदर से, या कहीं ना कहीं आपके मम्मी डैडी से आप कुछ सीख रहे थे या इंस्पायर हो रहे थे? मेरे डैडी को शौक था। ओके, हाँ, क्योंकि बचपन में मैं ऐसे भी गुनगुनाया करता था, जैसे आप बाथरूम सिंगर की बात करते हैं, कहीं बैठा हूँ कुछ गा रहा हूँ, कोई गाना सुना रेडियो में, वो ही गुनगुना रहा हूँ। ओके, तो मेरे डैडी ने बोला तुम अच्छा गाते हो तो तुम ये भी करो। Okay. तो उन्होंने मेरे को तबला टीचर रख के दिया था। Okay. तो हारमोनियम सीखने को बोला था ताकि मैं गा सकूं। Wow. फिर कॉलेज तक पहुंचा तो मैं गाने लगा था। Wow. तो क्या आप एक थोड़ा सा मुखड़ा गा के सुना सकते हैं कुछ, या आवाज अभी? अभी तो बहुत मुद्दतें हो गई कि कुछ गाया नहीं। Okay. लेकिन फिर भी एक आध लाइन में गा सकता हूँ। प्लीज। फिर मन डूब गया सागर में, डूब गया फिर मन, फिर एक चिंगारी सी मन में, फिर एक चिंगारी सी मन में मचा है एक कोहरा, शाम हुई फिर याद आया एक भूला बिसराना, फिर मन डूब गया सागर में, डूब गया फिर मन। Wow, that's absolutely fabulous. Good actor and good singer, sir. मैं तो ये बोलूँगा कि साहब, honestly speaking, मैं ये compliment नहीं कर रहा हूँ, आपको फिर से इस पर वर्कआउट करना चाहिए और एक बार वाकई में वापस सिंगिंग में भी आपको आजमाना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ वाकई में बहुत बहुत अच्छी है। आप ये बात मानेंगे नहीं, वैसे कभी कभी मैं अकेले बैठे गुनगुना देता हूँ। Okay. किसी ने कहा कि गाओ, ये कम अज कम मैं 30 साल बाद गाया हूँ आज। Wow, wow, I'm really honored, sir. आपने मेरे लिए इतना गर्म, really, really honored and really thankful to you for this. जानना चाहेंगे कि जैसे आप शुरुआत आपने स्कूल में आप कैसे थे, जानना चाहेंगे, मतलब जैसे आपने बताया कि सीखने का बहुत शौक था, गाने गाता था, म्यूजिक सीखा नहीं था, म्यूजिक फिर कॉलेज में जाकर सीखा। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप स्कूल में? बिल्कुल ठीक था, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, शरारती बहुत थे। Okay. मगर नंबर कम आते थे। ओके, कभी ऐसा हुआ कि कोई शरार, मतलब बहुत बड़े शरारती थे या थोड़ा मतलब ठीक ठाक चल जाता था? कुछ ज्यादा ही शरारती थे। ओके, तो कभी मास्टर का डंडा रोज खाते ही खाते थे। और कभी मास्टर ने ऐसा करा कि डैडी को बुला के लेकर और मां डैडी से बात करनी है मुझे? हाँ, वो भी किया। ओके, आपका लड़का बहुत शरारती है, इसको हम स्कूल से निकाल देंगे, नहीं तो इसको समझाओ। ओके, तो फिर आप पापा की बात मान जाते होंगे फिर उसके बाद तो उस डर से? नहीं, वो सिर्फ थोड़ा डर तो रहता है ना, माँ बाप का भी, टीचर का भी,
फिर कॉलेज जाते जाते फिर थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है आदमी। ओके, तो फ्रेंड्स की अगर बात करें, उस समय में कई बार ऐसा होता है कि एक उस युवा अवस्था में बहुत से लोग इस डिफ़िकल्टी से जूझते हैं कि भाई मेरे पास में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, या मेरे पास में बहुत बड़ी फ्रेंड्स की टोली है। तो आपकी अगर हम बात करें, उस समय आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था कि छोटा था, या क्या था, कैसे था? फ्रेंड्स की कमी नहीं रही, क्योंकि सिंगर था तो इर्द गिर्द लोगों का जमघटा रहता था। अच्छा, उसमें फिर कुछ ऐसे दोस्त होते ही हैं जो आपके नजदीक होते हैं। बिल्कुल, दोस्तों की कमी कभी भी नहीं रही। ओके, हाँ। और कभी जेलेसी कभी, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे थे, आप जैसे आपने बताया कि आपको अवार्ड मिलते गए, तो अवार्ड मिलने के बाद कहीं ऐसा हुआ कि आपके जो खास फ्रेंड हैं, या उस खास में से दो तीन फ्रेंड्स हैं, उसमें कहीं जेलेसी भी कहीं उनमें उत्पन्न हुई? वो होता है। आप कैसे उसको टैकल करते थे उस समय? टैकल तो नहीं करना आता था, यानी इग्नोर कर देते थे, दूर हो जाते थे। ओके। क्योंकि पंजाब में अग्रेसिव होते हैं लोग। अच्छा। जेलसी करने का मतलब है झगड़ा करो। जेलसी तो है ही, एक जेलसी होती है मन में रखो। ओके। हैं? तो एक जेलसी ये होती है कि इसको जरा स्नबी कर दो। ओके, तो इसलिए फिर मैं अवॉइड करता था। ओके, दैट्स जेनरोसिटी ऑफ योर्स। तो अगर हम आगे की बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल जब आप पंजाब में थे, पंजाब से आप मुंबई आए, तो पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वो कौन सी ड्रीम, तो चलिए आपने देखा, लेकिन वो कौन सी चीज किसी ने आपको प्रेरित करी या आपके मन में आई कि हाँ मेरे पास में ये एक्स फैक्टर है और ये मैं चीज को मैं बखूबी इसको मैं बॉम्बे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में दर्शा सकता हूँ, सफल भी हो सकता हूं। वो कौन सी वो एक्स क्वालिटी थी जिस पे आपको बहुत गर्व था? देखो, मैं थिएटर करता था 10-11 नहीं 12 साल रेगुलर अगर पकड़े तो 12 साल मैंने स्टेज पे काम किया रेगुलर प्रोफेशनली। मैंने फुल लेंथ प्लेज लिखे भी, छपे भी हैं, पंजाबी में भी हिंदी में भी। तो मैं आज आपको अपनी बुक भी दूंगा। तो मैं खुद ही लिखता था, खुद ही डायरेक्ट करता था और एक्ट भी करता था। तो 10-11 साल जब आदमी हर साल एक दो प्ले करे तो मन में तो यही बैठ जाता है कि यही मेरा एक रास्ता है और यही मेरा ड्रीम है और यही चीज है जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लेक्चररशिप छोड़ के बॉम्बे आना पड़ा। यार एक्टिंग में मैं फिल्मों में जाऊंगा तो पूरी दुनिया को मैं अपनी एक्टिंग दिखा सकूंगा। स्टेज पे तो एक शहर में करूंगा, फिर दूसरे शहर में शो करूंगा, लिमिटेड है। तो आई शुड गो इनटू फिल्म्स ताकि एक वास्ट ऑडियंस के पास मैं पहुंच जाऊं। तो ये एक्टिंग का टैलेंट ही था जिसकी वजह से मैंने ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे आ गया। ट्रेन पकड़ने के पहले जब आपको मालूम पड़ा कि अब आप अपने माँ बाप से जुदा हो रहे हैं, तो वो होम सिकनेस था कि आप अब एक नए माहौल में आ रहे हैं, वो छोटा शहर था, वहाँ पे पूरा आपको खाने पीने के लिए सब कुछ, माँ बाप की सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती थी। तो जब आप वहाँ से पहले दिन जब आप निकले अपने माँ बाप से जुदा हुए, क्या आप रोए या आपको होम सिकनेस हुई? देखिए, इमोशनल ज़रूर हुआ था, रोया नहीं था कि अब यार यहाँ से शहर छोड़ के जाना है। अच्छी भली लेक्चरशिप कर भी रहे थे, आई वॉज मैच्योर पर्सन, मैं यही को 26 साल की उम्र में तो नहीं, लेकिन वो पहली बार आप निकल रहे थे पंजाब से फिर मुंबई के लिए, पहली बार आप अपने घर से बाहर निकल रहे। इससे पहले भी आया था मैं मुंबई। ओके। क्योंकि मैं 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए गया था पूना। ओके। मेरा नंबर वेटिंग में था। ओके। 10 सीटें होती थी। ओमपुरी वाज देयर, दलजीत कौर एक हीरोइन थी, वो शी वाज देयर, तो रामेश्वरी वॉज देयर, वो सीनियर थे, मिथुन ने मेरी रैंकिंग की, मैं अभी एंटर हुआ था, तो ये सारे जो लोग थे वहाँ थे। तो मेरा नंबर था 12वां। 10 सीटें थी, मैंने कहा यार कौन यहाँ आता है, इतनी दूर मैं आया हूँ, कौन छोड़ेगा। दिल्ली में उसका रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ बुलाया था, तो इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया। तो अब मुझे लगा कि यहाँ 10 सीटें हैं और 10 के 10 आदमी को फीस भर देंगे, 11वें का नंबर आएगा अगर एक हुआ तो 12 का नहीं आएगा। मैं वापस जाके पटियाला यूनिवर्सिटी में दूसरी एमए शुरू कर दिया। मैंने कहा देखेंगे आएगा तुम्हें। तो मेरे को 3 महीने बाद यहाँ से लेटर आ गया कि यू कम एंड ज्वाइन। वो तब तक मैं शुरू कर चुका था और माँ बाप ने फिर मेरे को बोला बाद में कभी देखना, भी रहने दे। अच्छा। तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं जा पाया। ओके। एडमिशन हो गई थी मेरी। ओके। मगर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, और भी रीजन थे उसके। तो, लेकिन जब आप माँ बाप से बिछड़े तो होम सिकनेस थी या नहीं थी? नहीं, उस वक्त जोश था।
जवानी थी, जवानी में जोश होता है, सिकनेस नहीं थी, एक ही था कि वो ड्रीम दिख रहा है, उधर को भाग रहा हूँ, और कुछ नहीं था। तो जब आप मुंबई आए, मुंबई आके प्लेटफॉर्म पे उतरे, आपने इतनी सारी भीड़ देखी, इतने सारे लोग देखे, सच से बताइए कि क्या आप नर्वस थे या नहीं थे? क्योंकि पंजाब के लोग तो दिलदार होते हैं और शेर दिल होते हैं, तो वो शेर डर गया था क्या कहीं ना कहीं मुंबई की भीड़ को देखकर, थोड़ा बहुत डर गया था क्या? अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, इतना मजेदार किस्सा होगा कि आपको भी झटका लगेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी सी बात कैसे हो गई। ये बहुत अजीब किस्सा है। जब मैं वहां से चला, मेरे को बॉम्बे में कोई आदमी नहीं जानता था, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। बस ऐसे ही अंधेरे में तीर मारने आया था कि वहां जाऊंगा मैं, कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, कुछ ना कुछ सरवाइव कर लूंगा। तो मेरे डैडी ने एक लेटर दिया कि वहां जाओ, खालसा कॉलेज मटुंगा में प्रिंसिपल रघुवीर सिंह है, जो मेरा क्लास फेलो है, एज ए गार्डियन, उसके पास ये लेटर लेके जाओ, वो तेरा रहने का इंतजाम कर देगा। तो उनके पास नंबर भी नहीं था लैंडलाइन के, उनको फोन करके पता कर ले जाओ। उन्होंने बोला लेटर ले जा, मुझे पता है वो वहीं है, मैं लास्ट ईयर गया था, ही वाज प्रिंसिपल देयर खालसा कॉलेज, तू लेटर ले जा, उनको मैं लिख देता हूँ कि इसको हॉस्टल में किसी के साथ एडजस्ट कर दो या थोड़े दिन रह दो, फिर बाद में सर्वाइव कर लेगा। तो हुआ क्या कि मैं जहाँ आके कोली बड़ा गुरुद्वारा में ठहरा, तो ज्ञानी जी ने बोला तुम्हारे सर ढाक के रखो। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं रहना है। कहते कितने दिन? मैं कहा जी एक दो दिन। कहते दो दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। मैंने कहा दो दिन क्या, कल मैं जहाँ प्रिंसिपल को मिलना है वो मेरे को जगह दे देगा, नर्सों में चला जाऊँगा। तो मैं सुबह उठ के नहा धो के प्रिंसिपल को मिलने गया, गुरुद्वारा वॉकिंग ही था, मटुंगा में गुरुद्वारा है कोलीवाड़ा। तो खालसा कॉलेज मटुंगा पहुँचा, काफ़ी लोग थे, जैसे कॉलेज चल रहा होता है। तो पीएम था खड़ा, उसको मैंने चिट दी नाम लेके फ्रॉम पंजाब। तो प्रिंसिपल ने बुला लिया, मैंने उनको पहुँच हुए बैठे और लेटर दिया डैडी का। उन्होंने लेटर पढ़ा, पढ़ने के बाद हंसने लगे, और पहला ही डायलॉग था आपको फिल्मोनिया हो गया क्या? मैंने कहा जी तो ठीक है। तो मैंने कहा कहाँ ठहरे हो? मैंने कहा जी फिलहाल तो मैं सच बोलूँगा गुरुद्वारा में ठहरा हूँ, और दूसरा आदमी मेरे को नहीं जानता, एक आप जानते थे, लेटर डैडी का लेके आया हूँ। तो मैंने कहा अंकल मुझे रहने की जगह चाहिए। कहते मैं पता करता हूँ। मैंने कहा अंकल पता नहीं करना है, मुझे ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, मेरे को दूसरा आदमी जानता नहीं, गुरुद्वारे वाले मेरे को आज आ गया हूँ, कल मेरे को बोलेंगे तुम जाओ। तो कहते पता करता हूँ। मैंने कहा पता नहीं करना? नहीं बेटा, वो पता करना ऐसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि शाम को फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोफेसर है वो आएगा, तो उनके अंडर है सारा कुछ हॉस्टल, मैं उनसे पूछूंगा भी ऐसे एक लड़का है एडजस्ट करना है, कोई रूम खाली है तो तेरे को मिल जाएगा, नहीं है तो फिर देखता हूँ क्या करना है। तो चाय पियोगे? मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। चाय पी, बातें की इधर उधर की, डैडी के बारे में उसने कितनी बातें पूछी ये वो। तो मुझे बोले कल तुम आ जाओ। मैं फिर उठते हुए उनको बोला, मैंने कहा अंकल भूलना नहीं, पूछ लेना क्योंकि मैं कल तक ही हुआ। कहते नहीं नहीं मैं शाम को याद से पूछूंगा, वो आके मेरे को मिलते भी हैं, रिपोर्ट भी देते। मैं गया गुरुद्वारा, ज्ञानी जी मिले, कहते हो गया? मैं क्या हो गया? प्रिंसिपल ने लेटर दे दिया सारा कुछ, कल अटैची उठा के चला जाऊँगा मैं। कहते ठीक है फिर, बहुत बढ़िया बात है। तो उनको भी बताया फिल्म लाइन भी ट्राई करूंगा, वो ऐसे ही डायलॉग जो मारते हैं लोग, ये फिर कुछ बन गया तो मुझे भूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले जरा देखें। दूसरे दिन रेडी होके गुरुद्वारे में अपना आशीर्वाद लेके वहां पहुंचे जी, खालसा कॉलेज मटुंगा। वहां काफी भीड़ थी, तो मैं काफी देर खड़ा रहा, वो पीएम नहीं देखा किधर। 5 मिनट के बाद दूर से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने पीएम से पूछा, मैंने कहा सर प्रिंसिपल साहब से मिलना था जी। उसने एक झटके से मेरी तरफ देखा, कहता आपको नहीं पता? मैं कहा क्या हुआ? कहते कल रात उनको हार्ट अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। दैट वाज माय फर्स्ट सेटबैक। सेटबैक क्या, दूसरा बंदा ही नहीं जानता सेटबैक क्या? आपको बॉम्बे में एक ही बंदा जानता है, वो आपको ऐसा था कि कल जगह कर देगा, आज पता है यू आर ऑन द रोड। फिर क्या किया फिर आपने इसके बाद? करना क्या फिर, मैं गुरुद्वारे गया, वो कहते हो गया। मैं
मैं कहा ऐसे ऐसे प्रिंसिपल की डेथ हो गई, आप देख लो वो सामने जाके। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया किधर जाऊं। मैंने उसको पूछा, थोड़ी देर बाद उधर बैठा रहा, चाय पिया, तो मैंने उसको पूछा कि यानी जी एक बात सुनो, आप मेरे को अपने साथ रख लो। कहता रख नहीं सकता हूँ। मैंने कहा कोई रास्ता कहते रहने की, यहाँ बॉम्बे में बहुत प्रॉब्लम, यहाँ डिपॉजिट होते हैं, किराए पे लेते हैं, तो ऐसा होता है। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे तो इतने नहीं लेके आया, मैं तेरे को देऊंगा मंगा के घर से, तू मेरे को रख ले। कहता मेरे घर चलो, मैं तेरे को चाय पिलाता। मैं उसके घर गया, उसके घर में ऐसा भाई इतना सा रूम था, वन रूम, जैसे वन रूम किचन होता ना, आप देखे हैं, वन रूम किचन था। एक खाट लगी हुई थी, एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फ्रिज भी नहीं था, और इधर एक अलमारी थी। तो कहता ये वाइफ थी उसकी घर पे, उन्हें चाय बनाने को बोला, चाय पी। कहता ये देख रहे हो थोड़ी सी जगह? मैंने कहा हाँ जी। तो इसमें दो मेरे बच्चे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी रहते हैं। हम रात को नीचे ही सोते हैं और एक दूसरे में पांव लगते हैं हमारे। मैं तेरे को इसलिए लेके आया हूँ ताकि तू खुद देख ले, तो वैसे तू सोचता कि ज्ञानी जी ने मुझे रखा नहीं, तो इसमें कैसे रहेगा तू? फिर आपने क्या सोचा? चाय पी के आ गए, फिर बैठा रहा शाम तक इधर उधर। मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा इधर स्टेशन इधर उधर क्या है, ये ट्रेन वेन बहुत जाती हैं। कहता हाँ इधर घूम घाम के देख लो कुछ और बनता है। मैंने कहा घूमूंगा तो ताब ही, तो रात हो रही है तो क्या करना है। फिर मेरे को एक आइडिया आया, मैंने कहा गुरु एक काम कर सकते हैं, मैं सुबह तेरे घर पे आया करूँगा, टाइम तू बताएगा, आऊँगा टॉयलेट जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, नहाऊँगा और निकल जाऊँगा। इसका मेरे को, मैं तेरे को आई विल पे फॉर यू, मेरा अटैची रख ले, कपड़े बदलूंगा और निकल जाऊंगा। उस वक्त अब क्या सर्वाइवल है, मरता क्या ना करता। उसने थोड़ी देर सोचा, कहता फिर तेरा इंतजाम मैं क्या कुछ ना कुछ करूंगा, मेरा अटैची रखने की जगह नहीं है। दूसरा मेरे को फिर सुबह टॉयलेट जाना नहाना होता, दिन में मैं कहीं भी जाऊँ। रचित तुम ये देखो, 3.5 महीने मैं स्टेशनों पे सोता था, सुबह जाके उधर नहा के फ्रेश होके निकल जाता था, एक टाइम खाना खाना शुरू कर दिया, पैसे नहीं होते थे, घर वालों को बोल दिया पैसे भेजो। फिर ऐसा हुआ कि स्टेशन पे भी वो 2 बजे तक ट्रेन होते, कितना बैठोगे, पुलिस वाले बोलते चलो घर चलो, इधर क्यों बैठे हो, वो भी तंग करते थे। फिर एक और आइडिया निकाला, रात को घूमता रहता था, सुबह 8 बजे चर्च गेट टू बोरीवली ट्रेन की टिकट लेते थे, एकदम पीछे में जाके सो जाता था सीट पर। ट्रेन जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, आपके पास टिकट तो है ही, मैं ट्रेन में सोता रहता था 6-6 घंटे। क्या करते, नहा वहाँ लेता था। 3.5 महीने मैं रोड्स पे ही था। मैं आपको रोकना चाहूँगा, बहुत भावुकता वाली बात आपने कही है, मेरा मुंह सूख गया है क्योंकि मेरे पास अभी शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यू करा है, बहुत से सेलिब्रिटी से मैं मिला हूँ, लेकिन जो आप ये जो बात बता रही हैं, ये लाइन मुझे बहुत छू गई है दिल में, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी दिक्कत के बावजूद भी, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इतनी दिक्कत के बावजूद भी आज मुझे इन पर नाज है, घमंड है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन करा और ना ही ये पीछे हटे, बल्कि आज ये फ्लैट के मालिक हैं। इन्होंने एक आलीशान फ्लैट अंधेरी में लिया है जो उसके मालिक हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा कि एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि शायद जो इन्होंने ये जो बात जर्नी अभी जो मैं शेयर कर रहे हैं, मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस इंटरव्यू में इनको रोक रहा हूँ, मैं भावुकता में हो गया हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद इतनी ताकत, इतना जो चुभन या इतना जो दर्द जो इन्होंने जो सहा है, शायद हम इसको अगर देख भी लेते तो शायद इतना हमारे में इतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन हैट्स ऑफ मैं करता हूँ इनके जज्बे को कि इन्होंने इतनी दूर से आकर भी
अपने पिताजी को ना तो सिर्फ इनको ना खबर करी ना कुछ, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही काम करा, रास्ता खोजते गए, रास्ता खोजते गए। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा राणा जी, लेकिन बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण वाला जो आप बात बता रहे हैं, वाकई में ये शायद भुलाई नहीं जा सकती है, ये मेरे मन में बैठ गई है। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर उसके बाद क्या है कि मैं पृथ्वी थिएटर आके रोज आता था, तो लोगों से मिलता था कि मेरी जान पहचान वाला कोई बंदा मिल जाए, पूछता था लोगों से। तो वहाँ फिर मेरे को एक आदमी बलजीत परमार करके मिला, तो यानी वो प्रेस रिपोर्टर हैं, बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़े से बड़े चैनल पे क्राइम, किसी से भी नाम पूछिएगा, बलजीत परमार बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो मुझे मिले, मैंने उनको बताया यार मैं तुम मुझे पंजाबी होने के नाते बैठ गए, बातें की, चाय पिलाई, तो मेरा ये प्रॉब्लम है। कहता यार यहाँ में एक सेंटर कुछ में एक बंगलो है, उसमें बेड सिस्टम है, आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे बेड के, आप सिर्फ बेड यूज़ कर सकते हैं, एक रूम में चार चार बेड हैं, रूम नहीं होंगे। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, सस्ता है। तो फिर वो बेड सिस्टम में 3.5 महीने बाद वहाँ शिफ्ट किया, बैग अटैची बेड के नीचे रख देते थे, सुबह नहाओ दो और निकल जाओ। तो फिर वहाँ से स्ट्रगल शुरू हो गई, करते 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 फिर मेरे को एक पंजाबी पिक्चर मिली जीजा सारी मोहन भाकरी की, फिर एक दो हिंदी फिल्में मिली छोटी छोटी, एक सीन दो डायलॉग, क्योंकि सर्वाइवल के कुछ भी। फिर लगा कि खर्चे कहाँ से करें, आवाज़ अच्छी थी, मैंने डबिंग शुरू कर दी। 2 साल में 3 साल डबिंग से पैसे कमा के रोटी भी खाता रहा, लोगों से मिलता रहा, मगर फिर मेरे को किसी ने डरा दिया कि अगर तुम डबिंग आर्टिस्ट एस्टेब्लिश हो गए तेरे को एज एक्टर कोई काम नहीं देगा। मैंने कहा यार ये भी विंडम बना है। तो ये जो निगेटिव वाइब्स जो आपको मिली उस इंसान से, फिर कैसे आपने इसको टैकल किया? बात उसकी सही थी, कितने ही लोग यहाँ देखे, सूबी राज जी बड़े बड़े जो हीरो भी आ चुके थे, जब वो डबिंग आर्टिस्ट बने फिर उनको लोगों ने लेना नहीं किया। प्रोड्यूसर आता था फिल्म लेके, हाँ डबिंग कर रहे हैं सर, नेक्स्ट मैं एक्टर भी हूँ, नेक्स्ट पिक्चर में मुझे काम दीजिए, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, मगर वो डबिंग आर्टिस्ट का जो ठप्पा लगता है उसके बाद आपको एज एक्टर काम नहीं देते थे तब। तो मैंने फिर वो डबिंग भी छोड़ दी, तो फिर मेरे को कोई भी काम मिलता था मैं कर लेता था। मैंने नकाब पहन के डुप्लीकेट भी किए। जब आप लोगों ने आपको पहचानना शुरू करा, लोगों ने आपको प्यार देना शुरू करा, आप सक्सेस पा लिए, तो 2 सवाल हैं। एक, आपके पिताजी का जब फ़ोन आया उस दिन, तो वो क्या लाइनें उन्होंने आपको यूज़ करी जब उनको मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा अब जो है अब वो जम चुका है वहाँ पे, मुंबई में जम चुका है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है? और दूसरा, फैंस की तरफ से क्या आपको आपको रिस्पांस मिलता था, क्या कहते थे फैंस आपको? चलो मैं आपको ये भी एक ऐड कर देता हूँ कि फिर मेरे को जेपी दत्ता की पिक्चर मिली यतीम, आई प्लेड अमरीश पुरी ब्रदर इन दैट, तो वहाँ से मेरा थोड़ा हुआ कि मेरा नाम, मेरे काम मिलने लगा, थोड़ा नोन फेस हो गया था। फिर साथ में मैंने महाभारत किया, वी आर चोपड़ा का महाभारत में मैंने जरासंध का रोल किया था, पहला विलन कंस होता है और दूसरा विलन जरासंध, जरासंध कंस का ससुर होता है, उसी का बदला लेना चाहता है कृष्ण जी से कि तूने कंस को मेरे जवाई को क्यों मारा। तो मेरी 11 मिनट की फाइट थी भीम के साथ, बहुत बढ़िया रोल था। थर्ड एपिसोड से शुरू होता है तो 32 एपिसोड तक था, मेजर रोल था। तो वहाँ से फिर काम मिलते 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 शुरू हो गया, लोगों ने टीवी पे भी देखा महाभारत भी, और ये फिल्म भी आ गई, दोस्त भी खुश हो गए। एक बात बताता हूँ आपको कि पेरेंट्स का खुश होना जायज़ होता ही है, क्यों, वो खुश ही होते हैं। औलाद सबसे बड़ी तमन्ना माँ बाप की यही क्या होती है कि उनकी औलाद सक्सेसफुल हो जाए। जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो माँ बाप बहुत खुश थे। तो फोन नहीं था उनके पास, उनका लेटर आया था। हाँ, लेटर आया था। इस दौरान में आप मिस नहीं करते थे पापा को, क्योंकि फोन होता नहीं था, कहीं ना कहीं दर्द था, माँ बाप से थोड़ा दूर थे, तकलीफ थोड़ी सी तो थी, क्योंकि यहाँ पे भी आपके वो फ्रेंड्स नहीं बने जो पहले कॉलेज के उस समय मिलते थे, यहाँ नया शहर था, तो कहीं दर्द थोड़ा सा तो रहा होगा। देखिए वो दर्द को कैसे फिर आप मिटाते थे, वो याद जो आती थी आपको माँ बाप की, वो कैसे मिटती थी? देखिए
मिस तो आदमी करता है माँ बाप को, बहन भाइयों को भी, लेकिन जो ड्रीम इतना पावरफुल था ना कि ध्यान उधर कम जाता था। लेटर लिख देते थे, फिर जब तक उनका लेटर नहीं आता था तब तक वो माइंड में नहीं आते थे। पता नहीं क्यों, वो ड्रीम पावरफुल था या जोश था या एक धुनकी में लगे थे या जुनून था, आई डोंट नो। मैं मिस करता था, मगर ऐसा नहीं कि डेली मिस कर रहा हूँ या होमसिक महसूस कर रहा हूँ। एक दो महीने बाद बहुत याद आई, थोड़ी देर सोचा, फिर सोचा पहले ये कर लें, फिर उसके बाद बॉम्बे में घर भी लिया, सब कुछ किया, फिर मम्मी डैडी आके भी रहे, वो खुश हुए। मगर क्या है कि आपको कैसा लगा उस समय, फक्र महसूस हुआ कि नहीं हुआ, वो फीलिंग क्या थी? वो तो होता ही है, फक्र तो होता ही है, फक्र वो तो आपको नाज हुआ होगा कि एक आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, वो माँ बाप लक्की होते हैं, वो सदा सदैव ही वो माँ बाप लक्की होते हैं जो अपनी औलाद के नाम से पहचाने जाए। जैसे अमिताभ बच्चन जी जब आए थे लेटर लेके इधर उधर एके आवास के पास, तो इसलिए आए थे तो लोग बोलते थे ये राइटर हरवंश राय बच्चन के बेटे हैं। फिर अमिताभ जी बहुत बड़े हो गए तो फिर लोग बोलने लगे हरवंश राय बच्चन अमिताभ के बाप हैं। तो क्या है कि जब औलाद के नाम से माँ बाप को पहचाना जाए, इट मीन औलाद सक्सेसफुल हो गई है, तो उनकी छाती तो चौड़ी होती होती है। जरूरी। तो जब आप नुक्कड़ पे जब दुकान में कभी जाते थे कुछ सब्जी लेने, टमाटर लेने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझक होती थी, क्योंकि अब आप पब्लिक फिगर हो ही चुके थे, तो कहीं ना कहीं झिझक होती थी कि मतलब कोई पीछे से कोई चिल्ला के बोले ओ हीरो, या कोई कैरेक्टर के नाम से आपको पुकार ले वहाँ पे, तो कहीं आपको ये झिझक होती थी या आपको लगता था कि ये सच्चा प्यार है फैंस का? नहीं, झिझक तो होती है, झिझक भी होती है, पीछे से बुलाते थे मगर खुशी महसूस होती थी मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हाँ, भले वो पहले ऐसे आवाज़ नहीं देते थे, थोड़ा नाम आने के बाद फिर वो आवाज़ देते थे, मुझे लगता था उसमें प्यार भी है और छेड़ भी है, तो मैं इन्जॉय करता था। तो अगर हम बात करें अब जबकि अब बॉम्बे में आप नो इतने सफल कलाकार भी हो चुके हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तौर की फिल्में करते आ रहे हैं, जैसे कि भोजपुरी भी करी आपने, पंजाबी भी करी, अब आप टर्किश फिल्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपका प्यारा बच्चा कौन है? देखिए, जैसे माँ को पूछा जाए ना कि तेरे तीन बेटे हैं, सबसे प्यारा कौन है, वो उसको तीनों बेटे प्यार होते हैं। आप, मैं जो भी काम करता हूँ लगन से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे रोल होते हैं को ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ऑडियंस से, और आप उनके बारे में सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं, लोग बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा काम था, जलगार में आपने कार्लोस बहुत अच्छा किया, तो दूल्हे राजा में आपने विशंबर का रोल बहुत अच्छा किया, तो जोर में आपने कमिश्नर का, यानी लोग कहते हैं, मगर मुझे सारे ही रोल अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किया है, मैंने उन कैरेक्टर को जिया है। तो लेकिन फिर भी माँ ये भी बता देती है कि तीनों बच्चों में से ये सीधा है, थोड़ा सा ये जिद्दी है, तो इसमें थोड़ा सा आप टिप्पणी करना चाहेंगे कि सीधा तीनों में से कौन सा सीधा बच्चा आपको लगा? देखिए, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, देखो, कि मैंने विलन भी किया, पॉजिटिव भी किए और अपना कॉमेडी भी किया, मगर कुछ कॉमेडी कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैंने किए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें एक वैरायटी भी थी और डिफरेंट भी थे, और उनको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप पंजाबी हैं, तो पंजाबी फिल्में के बारे में आपका क्या टेक है, क्योंकि आजकल पंजाबी फिल्में जो हैं वो ज़्यादा एक नए तरीके से एक नए कैनवास में आ रही हैं और एक नए नए चेहरे दिखने को आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा टैलेंट आ रहा है, तो पंजाबी फिल्मों के बारे में आपका क्या टेक है? क्या वो बॉलीवुड के साथ में बिल्कुल कम्पीट कर रही हैं या कर सकती हैं, क्या आपका राय? देखिए, जब मैं बॉम्बे आया था 80s में पंजाबी फिल्में बहुत सिंपल बनती थी, उससे पहले 70s में तो और भी सिंपल बनती थी, क्योंकि पंजाबी फिल्म का ज़्यादा बजट भी नहीं होता था और पंजाबी सिनेमा इतना ग्रो नहीं किया था। लेकिन ये 2000 सेंचुरी जब शुरू हुआ, 2005-06 पकड़ लो, 2005-06 में एकदम से फिर काफ़ी पिक्चरें बननी शुरू हो गई, काफ़ी। तो 2010 में एक पिक्चर बनी जिसने मेरा दिल लुटिया,
मनदीप कुमार ने, और टिप्स दी पिक्चर थी, और टिप्स की प्रोडक्शन थी। वो पिक्चर इतनी हिट हुई कि दैट फिल्म वाज़ अ ट्रेंड सेटर। उसके बाद पंजाबी पिक्चरें इतनी बड़ी हो गई हैं, 5-7 करोड़ का बजट हर फिल्म का होता है। छोटे बजट वाली भी आती हैं, ढाई 3 करोड़ वाली, मगर 5-7 करोड़ बहुत होता है एक रीजनल पिक्चर के लिए। तो 5-7 करोड़ के बजट की पिक्चरें बन रही हैं और बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही हैं। इंटरनेट, आप हिंदी पिक्चर देख लो या पंजाबी देख लो, उसका कैनवस और परफॉर्मेंस वाइज, म्यूजिक वाइज, फोटोग्राफी, टेक्निकलिटी सारी देख लो, वेल मेड मूवीज। पहले क्या होता था यार, वेल मेड हिंदी पिक्चर देखते हैं, पंजाबी कोई टेक्निकली भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, मेकिंग वाइज भी अच्छी नहीं होती थी, एक्टर भी ठीक ठाक होते थे, म्यूजिक अच्छा होता था। तो अभी क्या है, इन टोटेलिटी जैसे हिंदी फिल्में हैं वैसे उसी स्टैंडर्ड की ही पंजाबी पिक्चरें बन रही हैं, एंड ऑल ओवर द मार्केट इसका बिजनेस हो गया। जैसे पंजाबी पिक्चर लगती है इंग्लैंड में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पंजाब में बड़ी मार्केट है। बाकी देखा जाए ऑल ओवर इंडिया, जैसे दिल्ली में, यूपी में, बॉम्बे में, इंदौर में, ऐसे बहुत स्टेशन है जहाँ रेगुलर पिक्चर लगती है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए आप एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर एक्टर हैं, बहुत ही डिसेंट एंड डाउन टू अर्थ हैं, तो अगर हम बात करें पैसे को लेके, मान लीजिए कोई डायरेक्टर आपके पास आता है स्क्रिप्ट लेके, बोलता है कि भाई सर ये सिर्फ आपके दिमाग में लिख के रखा है मैंने, जिसमें कि आई एम श्योर कि जब आप ये परफॉर्मेंस करेंगे तो नेशनल अवार्ड तो पक्का ले ही जाएंगे, कि ये परफॉर्मेंस ही पूरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही फिल्म है, और विद सेंटर कीपिंग दिस पॉइंट कि भाई उसमें आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा है, 90% ज़्यादा परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके पास में बजट कम है। तो सवाल ये है कि क्या टैलेंट को, कोई अच्छा मंझा हुआ टैलेंट, उसको बैक ऑफ कर देना चाहिए या इसमें दिखा के अपना हुनर को एक अपना स्थान साबित कर देना चाहिए? बाकियों का मुझे पता नहीं, वैसे अमूमन हर कलाकार 3 रीजन से पिक्चर करता है। एक तो रोल के लिए, कि रोल कमाल हो, फिर वो पैसे भी कम कर देता है, सब कुछ कम करता है, रोल के लिए, रोलिंग के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है यार, मैं काफी दिनों से पिक्चर में आई ना हूँ, ये 1-2 पिक्चरें कर लो ताकि लोगों को दिखूंगा रोलिंग में, तो और काम आएगा। अगर रोल भी नहीं है, देन वी डू फिल्म फॉर मनी, कि हाँ रोल कैसा भी है पैसे बता कितने देता है। रोल, रोलिंग एंड मनी, ये 3 रीजन होते हैं जिसके लिए कलाकार काम करता है। सर, कैंडिड थॉट। दोस्तों, हम बात करें राजन जंग बहादुर साहब से, वे जाहिर सी बातें बेबाक हैं और बहुत ही गहरी और एक सच्ची बात करते हैं। थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बहुत से लोगों को पसंद आता है फ्री टाइम में फुटबॉल देखना, म्यूजिक सुनना, घूमना, खाना खाना, आपकी क्या पसंद है? मैं पढ़ता रहता हूँ। क्या पढ़ना पसंद करते हैं वैसे आप? शौक है पढ़ने से बचपन से ही, 40 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे दुनिया की हर टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है, और मेरे को नॉलेज चाहिए। मुझे ना ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, कि कोई मुझे क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। जैसे इस ब्रह्मांड में जितने धर्म हैं, मैंने सारे थारो स्टडी किया है। मतलब कोई भी हम क्वेश्चन पूछें तो आप पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो क्यों ज्ञान होना चाहिए कि चलो हिंदुइज्म क्या है, उसमें क्या है, जूडाइज्म क्या है, उनका गुरु मौजूद था मूसा, तो उसके बाद जूडाइज्म से 2 धर्म निकले, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये 2 निकले, तो ये अलग अलग धर्म क्यों हुए, उसमें सिचुएशंस क्या थी, क्रिश्चियंस बन गए और ईसा मसीह को उन्होंने हैंग कर दिया, तो उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने ये धर्म बनाया, फिर जैसे हिंदू धर्म के आगे सेक्ट निकले, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, ऐसे इन धर्मों के भी आगे सेक्ट निकले, शिया सुन्नी बन गए, उधर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बन गए, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं ये रिलीजन का सारा पढ़ा, फिर लाइफ, साइकोलॉजी, डेथ, रिलीजन, गॉड, फिलॉसफी, ये सारे टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं, तो जिस टॉपिक पे अच्छी किताब मिलती है मैं पढ़ता रहता हूँ। पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कल्चर, पोइट्री, लिटरेचर, ये सब चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं मीटिंग हो तो जाता हूँ, शूटिंग हो तो जाना ही है। बाकी क्या है कि टीवी पे मैं न्यूज़ देखता हूँ।
म्यूजिक व्यूजिक गाने या कोई गाने में गाड़ी में रियलिटी शो गाने नहीं गाने गाने में गाड़ी में सुनता हूँ रियलिटी शो में कोई नहीं मैं गाने नहीं सुनता हूँ जैसे मेरे पास पूरा मोहम्मद रफ़ी है पूरी लता है दो कैसेट ऐसी है जिसमें सिर्फ कवालियाँ ही कवालियाँ हैं शेर व शायरी का शौक है क्रिकेट क्रिकेट देखता हूँ क्रिकेट देखता हूँ वो क्या है 2020 और वन डे बहुत शौक से देखता हूँ मतलब टेस्ट का यही होता है कि लास्ट डे में जो अगर मैच अड़ गया तो देख लो वरना पता ही होता है कि वन साइडेड है तो क्रिकेट का भी शौक है मगर क्रिकेट देखता हूँ अदरवाइज न्यूज वीकेंड पे फिल्में देखना हाँ वो फिल्में देखते हैं अगर कोई पिक्चर टाइम मिला तो थिएटर में देख लेता हूँ मैं थिएटर में प्रेफर करता हूँ अगर नहीं होती तो फिर मैं डाउनलोड करके देखता हूँ जब वो आती है फिर पिक्चर सारी देखता हूँ क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो शेयर मार्केट का पता होना चाहिए अगर आप फिल्म लाइन में हैं तो आप फिल्में देखो क्यों पता नहीं कौन आदमी कब बैठा हो कब डिस्कस करे किस आदमी को आप मिल रहे हैं उसी की पिक्चर नहीं आपने देखी है तो बात क्या करेंगे और पता भी होना चाहिए ट्रेंड कैसा चल रहा है आजकल एक्टिंग किस ढंग की हो रही है पहले बहुत मेलो ड्रामेटिक एक्टिंग होती थी हमारी फिल्मों में अभी हॉलीवुड स्टाइल टोटल नेचुरल हो गई है ट्रेंड भी चेंज होते हैं डायरेक्शन में स्टोरी कैसी आ रही है फिल्में कैसी बन रही हैं तो ये हमारा काम है तो हमारा धंधा है तो इस धंधे के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कौन आदमी नया डायरेक्टर आया है कौन सी पिक्चरें बना रहा है वो कौन सा कैसा टाइप का डायरेक्टर है किसे मिलना चाहिए क्या होना चाहिए ये हमारी जॉब है और धंधा है तो इसमें मैं पूरा घुसा रहता हूँ वाओ दैट्स ग्रेट अगर हम बात करें थोड़ी देर पहले अभी आप बात कर रहे थे ब्रह्मांड के बारे में अब आप स्पिरिचुअल हैं क्या आप आर यू अ गॉड फियरर एक तो ये क्वेश्चन ही गलत है गॉड लवर होना चाहिए गॉड फियरर नहीं होना चाहिए वाओ बहुत बड़ी बात है हम ये कहते हैं जैसे मैट्रिमोनियल होता है शी इज गॉड फियरिंग पर्सन अरे यार व्हाई नॉट गॉड लविंग गॉड शुड नॉट बी ए फियर व्हाई वी कॉल गॉड फियर वी शुड नॉट क्रिएट ए फियर गॉड इज ए लवेबल पर्सन ही इज अवर फ्रेंड वी कैन टॉक टू हिम तो आई बिलीव इन गॉड बट नॉट ब्लाइंडली स्पिरिचुअल हूं हर आदमी होता है बेसिकली तो क्या है कि जो चीजें हमारे हाथ नहीं है किसी सुपर नेचुरल पावर के तहत चल रही हैं जो उनके पास हैं तो उसी को मैं गॉड मानता हूं भले उसको आप ग्रेविटेशनल पावर कहिए या उसको नेचर कहिए तो आई बिलीव इन दैट आई डोंट बिलीव इन ए वन पर्सन के कोई ऊपर बंदा बैठा है वो गॉड है नहीं इन कलेक्टिव फोर्स जो है ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल पावर ये उत्पत्ति और विनाश जो सामने दिख रहा है जिया जंत पैदा होते हैं मर रहे हैं पेड़ पौधे पैदा होते हैं मर रहे हैं ये उत्पत्ति विकास है ये कलेक्टिव नेचर जो है कलेक्टिव फोर्स जो है दैट इज गॉड इट्स नॉट ए पर्सन इसलिए फिर इसे फियर करने की जरूरत नहीं है वेरी नाइस थॉट आप इतने क्लीन हैं इतने सोफिस्टिकेटेड हैं इतने डिसेंट पर्सनैलिटी हैं लेकिन आज के दौर में जो इतना मीडिया इतना हो चुका है इतने तरह तरह प्रकार के सेलिब्रिटीज आ गए हैं सवाल मेरा ये है आपसे ख़ास तौर से कि आपको तो मैं नहीं दुनिया बोलती है कि आप बहुत ही डिसेंट इंसान हैं सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो आज कल जो सेलिब्रिटीज़ जो कभी कभी कुछ गलत खबरों में सुर्खियों में आ जाते हैं या जैसे बोलते हैं बिना वजह से भी अपनी एक अपनी मन की बात रखने के बावजूद भी वो बेचारे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं मीडिया के अटैक हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है सेलिब्रिटी को दोष देना चाहिए या ये हो सकता है कि ये इसमें सेलिब्रिटी का दोष नहीं है मीडिया का एक तरह से है कि वो तो होना ही होना है क्योंकि आप टॉप पर हैं इसलिए देखिए आपकी क्या राय है सक्सेस पाने के लिए दो ही तरीके हैं एक तो होता है सीधा तरीका करेक्ट एक होता है टेढ़ा तरीका ओके जैसे बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा आप ऐसी सनसनी क्रिएट करवा लो आप कोई ऐसा काम करो कि दुनिया आपको देखने लगे अरे यार वो देखो क्या कर रहा है इसने क्या किया आप पॉपुलर हो गए आप पॉपुलर होना चाहते थे उसके बाद फिर सक्सेसफुल भी हो जाएंगे क्यों पॉपुलर होना जरूरी है आप पॉपुलर हो गए फिर आपको आपकी नेगेटिव जो पब्लिसिटी है उसको भी लोग पॉजिटिवली कैश कर लेते सपोज एग्जांपल देता हूँ मीका था मुझे जानते हैं
है? तो वो अपना एक्ट्रेस है ना, राखी सावंत, तो एक ऐसा हो गया कि उन्होंने स्टेज पे किस कर लिया, वो इतनी पब्लिसिटी, इतना हंगामा पूरे हिंदुस्तान में बना, मगर दोनों स्टार बन गए वहां से। उसके बाद उनको काम मिलना शुरू हुआ, दोनों स्टार बन गए, मगर उन्होंने अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी को अपने कैरियर के लिए पॉजिटिव यूज कर लिया। तो लोग तरीके चुनते हैं, मीडिया तो करता ही है। जैसे पहले ऐसा दौर होता था कि हर आदमी नीट एंड क्लीन इमेज रखता था, नहीं यार, एज पर्सन सोसाइटी में मेरा नाम वो होना चाहिए, तो ऐसा कोई काम ना करूं। फिर भी अब मतलब कुछ ऐसी चीजें, वारदातें या अफेयर कुछ ऐसे हो जाते थे, लोग लाइमलाइट में रहते थे, मगर अफेयर ही होते थे पुराने टाइम पे, अपना राजकपूर नरगेश ये वो सारे, तो अफेयर ही होते थे, मगर बैड पब्लिसिटी यूज नहीं करते थे। मगर जैसे मैंने बोला ना, फिल्मों में ट्रेंड चेंज हुआ, ये भी ट्रेंड चेंज हुआ, तो ये भी एक वेस्ट से आया ये कॉन्सेप्ट, ये बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अभी आप नाम बना लो, उसके बाद तो फिर लोग आपको पकड़ लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दो ही तरीके हैं, या तो आप सीढ़ियों से चढ़ो, या पीछे दीवार के पाइप से चढ़ जाओ, चढ़ना छत पे ही है। लेकिन आप इतने सीनियर हैं, आपके नए लोगों के लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी इस मामले में, इस खास तौर से इस मामले में, अगर आपकी पर्सनल ओपिनियन मांगी जाए, क्योंकि आप इतने सुलझे हुए और डाउन टू अर्थ पर्सन है, आप भी तो प्यार करते हैं। देखिए एक बात कहता हूँ कि आज अगर बहुत कोई पीर पैगंबर भी आके लोगों को शिक्षा देता तो आज लोग उसका भी मजाक उड़ा के कह सकते हैं कि तू अपने घर जा। सजेशन कोई नहीं होती है, हर आदमी अपना निर्णय खुद लेता है। कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्म करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। कर्म करने का अधिकार क्या दिया था? माइंड। आपको कर्म करने का अधिकार दिया माइंड। माइंड से हम रोज डिसीजन लेते हैं कि ये करेंगे। वी टेक डिसीजन एंड एक्ट डिसीजन टेकन बाय यू बिकम योर डेस्टिनी। तो जो डिसीजन आपने लेना है, मेरे कहने से आप नहीं रुकेंगे। आपको पता है कि आपको सक्सेसफुल होना है, जो डिसीजन आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। डिसीजन दो तरह की है, या पॉजिटिव वे से निकल जाओ, या नेगेटिव वे से निकल जाओ। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थॉट। आप खुश कब होते हैं? देखो, खुशी क्या होती है? मन की परिस्थिति होती है, मनोदशा। आपके अनुकूल काम होगा तो आप खुश हो जाएंगे, आपके प्रतिकूल काम होगा आप खुश नहीं होंगे। तो ये परिस्थितियां होती हैं। खुश रहने का क्या है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई चैनल नहीं है कि हाँ कॉमेडी चैनल लगा लो। मन की दशा होती है। जब आप, मेरा मन कब खुश होता है? जब मैं अच्छा काम करूं, अच्छा रोल करूं, और मेरी खुद की तसल्ली हो कि हाँ मैंने बढ़िया किया है। लोग तारीफ तो कर देते हैं, हर रोल की कर देते हैं, कोई सच्ची करते हैं, कोई झूठी करते हैं। ये आजकल ट्रेंड है कि हाँ अरे यार तूने कमाल कर दी, छा गए तुम, ये बोलते रहते लोग। जब मेरी तसल्ली होती है और मुझे सिक्स सेंस मेरी बताती है जब मैंने अच्छा काम किया, तो तब मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन अगर कोई फैन, मान लीजिए भीड़ में 10 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो भी है, एक फैन आके बोलता है कि अंकल आप ऐसा मत करो, आपकी वजह से ना ऐसा हादसा हो गया यहाँ सोसाइटी में, आप वैसे विलेन वाला ये काम मत करो, ये छोड़ दो ये लोग, तो ये जो फीडबैक जो आता है फैंस का, कैंडिड फीडबैक कि आप मतलब डर गए हम लोग, क्योंकि रोल से ही इतने इम्पैक्ट पड़ा लोगों को कि वो बच्चा 12 साल का बच्चा डर गया, तो आप उसमें क्या, आपकी क्या थॉट्स हैं उसमें, उसमें आप क्या सोचते हैं? आप देखिए, अगर मैंने कोई विलन का रोल किया है और कोई मेरे से डर गया है, और कोई मेरे को बोलता है ऐसा काम मत किया करो, इट मींस मैंने इतना बढ़िया काम किया है कि आई एम सक्सेसफुल एज एन एक्टर, कि वो इम्पैक्ट मेरे को छोड़ना चाहिए था जिससे वो बच्चा डर गया है। एज एक्टर आई विल बी फील वेरी हैप्पी कि मैंने जो काम किया ना विलन का या नेगेटिव किया है, उसमें मैं 100% सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैंने। लेकिन बच्चे तो रूठ गए। नहीं, बच्चे रूठ रहे, पहले पता क्या है, बच्चों को बड़े होने के बाद समझ में आ जाएगा कि दैट वाज अ कैरेक्टर। अभी उनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे हैं, जब बड़े होंगे उनको पता चलेगा कि यार वो एक्टर था, राणा जंग बहादुर कोई और है, वो नॉर्मल भी है मगर वो कैरेक्टर था। तो ऐसा होता है। तो बाकी मैं एक आपको मजाक की बात बता देता हूँ, प्लीज। मैं गाड़ी खुद चला के फिल्म सिटी जा रहा था, हाईवे पे मैं गाड़ी रोकी तो साइड पे मेरे एक ऑटो वाला आ गया,
शीशा बंद ही होता है, उसने ऐसे इशारा किया कि शीशा नीचे करो, मैंने शीशा नीचे किया। कह रहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ये वो, ये नॉर्मल डायलॉग है जो सुनते सुनते कितने साल हो गए। मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो उधर से लाइट होने वाली थी ग्रीन, तो जब वो ग्रीन लाइट होने वाली थी उससे कुछ 3 सेकंड पहले उसने बोला, कहता आप हर पिक्चर में मार खाते ही हो, कभी मारा भी करो, कह के भाग गया वो। तो ऐसे कमेंट भी मिलते हैं मगर अच्छे लगते हैं। मैंने कहा देखो भाई हम नेगेटिव रोल करेंगे तो फिर हीरो मारेगा, तो हमें मार खाने के भी पैसे मिलते हैं, और क्या करें। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल डिसअपॉइंटमेंट्स की, डिसअपॉइंटमेंट्स पहले तो जानना चाहेंगे कि दुख होता है, आप वैसे ही दुखों को दूर ही रखते हैं, दरवाजे के बाहर ही रखते हैं दुखों को, या कभी कभी दुख होता है तो आप दुखी किस वजह से हो जाते हैं, क्या वजह होती है और कौन सी चीज आपको तकलीफ देती है? देखिए मैंने आपको बोला कि आपके अनुकूल कोई बात हो जाए आप खुश होते हैं, आपकी चाहने से उल्ट कोई बात हो जाए आप दुखी हो जाते हैं। मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, अच्छी बात होती है मैं भी खुश होता हूँ, कोई मेरी लाइफ में अच्छी बात नहीं होती है, दुख आता है तो मैं भी दुखी होता हूँ। अब क्या है, एक दिलीप साहब की फिल्म दिल दिया दर्द लिया का गीत है, उसकी 2 लाइनें हैं, उसी में ये कंप्लीट जवाब है। प्लीज। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। तो गम आएगा दुख आएगा तो मैं भी दुखी होऊंगा, खुशी में तो होता ही है। तो आपके इमोशनल एंकर कौन रहे हैं अगर देखा जाए तो? इमोशनल एंकर जो कहीं ना कहीं आपको गाइड करते रहें, या कुछ आपको जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एनर्जी देते रहें, चिंगारी देते रहें, कोई तो आपके इमोशनल एंकर होंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत में या डिसअपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं रेस्क्यू के लिए आ जाते होंगे ताकि आप खुश हो जाएं तुरंत। आपके देखो आपकी भावनाएं ही आती हैं, आपकी अपनी भावनाएं आपके विचार ही आपको बचाते हैं और कोई नहीं। बाहर से तसल्ली देके लोग चले जाते हैं मगर आपके अंदर के जो विचार होते हैं आपके मन में वही आपको बचाते हैं, वही तसल्ली देते हैं, वही आपकी विल पावर होते हैं। तो इंसान 2 तरह के होते हैं, रेड ब्लड, तीसरी कैटेगरी इंसानों में है नहीं, या अच्छा आदमी है या बुरा है। गुरु नानक देव ने कहा है चंगे मंदे तेरे बंदे, चंगे मंदे तेरे बंदे। इसका मतलब क्या होता है? चंगे मीन अच्छे, मंदे मीन बुरे, भी चंगे हैं भले बुरे हैं तेरे बंदे हैं, भगवान को बोला। तो 2 ही कैटेगरी होती है। तो जो पॉजिटिव थॉट वाले लोग होते हैं गुड ब्लड, वो कम फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी उनके साथ होती है, सोचते भी पॉजिटिव है। जो नेगेटिव अप्रोच वाले बैड ब्लड होते हैं वो नेगेटिविटी की वजह से वो ज्यादा दुखी होते हैं। तो हो सकता है, मैं अपने आप को ये तो नहीं कहता कि मैं कमाल हूँ, मुझे लगता है मेरी पॉजिटिव अप्रोच है, शायद मैं गुड ब्लड हूँ, इसकी वजह से भी मैं नेगेटिविटी नज़दीक नहीं आने देता, कभी आती भी है तो अपने विचारों से उसको धकेल देता हूँ और मतलब संभल जाता हूँ और खुश रहता हूँ। एक ऐसा था, मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ, गिर पड़ा तो क्या फिर संभल जाऊंगा। भाई वाह वाह भाई वाह, ये तो आपने दिल छूने वाली बात, बिल्कुल सब कुछ, पूरा इंटरव्यू का निचोड़ आपने एक ही पंक्ति में ही आपने दे दिया है। पर अगर हम बात करें, कभी कभी किसी इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है कि वो क्रिएटिविटी करना चाहता है, या कहीं क्रिएटिविटी उसके मन में आती है पर कहीं ना कहीं उसके जो कलीग्स होते हैं वो ब्लॉकेज डाल देते हैं, उसको क्रिएटिविटी करने से रोक देते हैं, तो उसमें आपकी क्या ओपिनियन है या थॉट्स हैं कि इग्नोर कर देना चाहिए या फिर वो चीज़ को जो है हमें लड़के आगे हासिल करना चाहिए? एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब जन्म लिया था तो आपको भगवान ने या दाई माँ ने या पेरेंट्स ने कोई आश्वासन दिया था कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं दिया। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। दुनिया से आप लड़ भी नहीं सकते, झगड़े भी नहीं कर सकते, हैंडल देम और इग्नोर देम।
दिस इज ओनली टू वे, या तो इग्नोर कर दो या हैंडल देम। आपको माइंड दिया कृष्ण जी ने कि कर्म करने का अधिकार, कर्म करके जो हैंडल द पीपल एंड गो अवे। हर आदमी के पास रुकना नहीं है, एक ही चौक में लड़ते रहो खड़े रहो, नहीं, मूव, हैंडल और मूव। ये माइंड इसलिए दिया है कि आपको 100 आदमी मिलेंगे, 100 में से 95 बेवकूफ होंगे, मगर हैंडल देम एंड गो। जैसे बनिए की दुकान पे जाते हैं, हर तरह के ग्राहक को हैंडल करता हूँ, लड़ता नहीं झगड़ता नहीं, हैंडल देम एंड गो अवे। लाइफ भी यही है, मीट पीपल, हैंडल देम एंड गो अवे। आपने क्या लेना, कौन कितना इंटेलिजेंट था, कौन कितना बढ़िया था, कौन कितना अच्छा था, हैंडल देम एंड गो। आप अपना तो हैंडल करो, नहीं कर सकते इग्नोर करो। वेरी वेरी वेल सेड राणा जी, बहुत बहुत ही एक इतनी अच्छी आपने बातें, इतनी सच्ची बातें करी हैं, वाकई में सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अंत में चूंकि आप 35 साल से डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, लोगों ने आपको मोहब्बत दी है, लोगों ने आपको प्यार दिया है, बच्चे तो बच्चे बूढ़े तो बूढ़े, अब वक्त आ गया है कि इस हॉट सीट पे आप, हालांकि आप खुद अपने आप को बड़प्पन, आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन फिर भी आप ये डिजर्व करते हैं कि आप आने वाले जनरेशन को, जब आप इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं तो ये वक्त है कि आप आने वाली जनरेशन को वो तीन चीज़ें, जैसे बोलते हैं ग्लूकोन डी के जो तीन चम्मच जो आप डालेंगे, वो क्या तीन चम्मच डालेंगे, क्या मटीरियल उसके अंदर डालेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं आपसे कुछ सीख कर, इस इंटरव्यू के द्वारा कुछ सीख कर हासिल भी कर सकें। देखो, किसी में टैलेंट होना या ही इज ए स्किल्ड पर्सन, ये तो कुदरत के हाथ में है। कुदरत हर बॉडी में दिमाग नहीं डालती है, कुछ में कम डालती है, कुछ में थोड़ा ज्यादा डालती है, कुछ पावरफुल माइंड होते हैं। जैसे मेरी अपनी एनालाइजेशन है कि 10% लोग तो 100 में से सीधे साधे होते हैं, जिनमें कम दिमाग डाला है, इतना ही नहीं डाला, इतना भी दिमाग नहीं डाला कि वो अपना जीवन गुजार सकें। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, जैसे रिटायर्ड होते हैं, ये होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से, या जो भी बच्चे या जो भी नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, देखो टैलेंट तो कुदरत ने डालना है, स्किल्ड पीपल या टैलेंटेड पीपल ये कुदरत बनाती है, किसी के हाथ में नहीं। मैं बता रहा था आपको कि 100% अगर लोग होते हैं, उसमें 10% तो वो लोग होते हैं जो सीधे साधे होते हैं, जिनमें कुछ बॉडियां ऐसी बनाई कुदरत ने कि माँ बाप ने संभोग किया, दो एक मिले, बॉडियां तैयार हो गई, 100 बॉडी तैयार है। तो 10% लोग वो होते हैं जो ज्यादा दिमाग उनमें डाला नहीं बॉडी में, रिटायर्ड होते हैं, सीधे साधे होते हैं, कम दिमाग वाले होते हैं, वो अपनी पेरेंट्स पे या फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कुदरत ने उनको इतना दिमाग नहीं दिया खुद सर्वाइव कर सके। 10% ये होते हैं, 10 to 70%, 60% लोग वो होते हैं जिनके पास नॉर्मल माइंड होता है, 30%, 35%, 40% नॉर्मल माइंड। इतना माइंड दे दिया, आप पढ़ लेंगे, उसके बाद नौकरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, उनको शादियां कर देंगे, बाद में नॉर्मल जीवन जी के मर जाएंगे। क्यों, आपकी बॉडी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड डाला ही नहीं है। ये नॉर्मल माइंड आपको 60% लोग मिलेंगे, 70 to 90%, ये 70% हो गए, 70 to 90%, जो 20% वो लोग हैं पावरफुल माइंड, वो आपको हर फील्ड में दिखेंगे, भले वो साइंटिस्ट हो, भले वो बिजनेसमैन हो, भले वो पॉलिटिशियन हो, भले और काम करने वाले हो, जो ये दुनिया को चला रहे हैं, 20% लोग हैं दिखेंगे आपको, भूता ने वो पावरफुल माइंड 90 हो गया। उसके बाद जो 90 to 100%, 10% लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर, पीर, पैगंबर, गुरु, वो होते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी है जो पहले आपको बताया, गुड ब्लड बैड ब्लड, 90% बैड ब्लड है, या 90 लगा लो, 10% अच्छे लोग हैं,
तो अब जब आपको दिन में 1000 आदमी मिलना है, उसमें से 998 लोग नॉर्मल हैं और बैड ब्लड है, तो हैंडल देम एंड गो अवे। अब हर आदमी को हर बॉडी में पाएदार दिमाग ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर होता नहीं है। आदमी उतरा है मर्सिडीज गाड़ी से, 3-piece सूट पहना हुआ है, आदमी डैशिंग परफ्यूम लगे हुए हैं, जब बात करता है तो लीड कर देता है, क्या करोगे? क्योंकि इधर नहीं डाला ना, बाकी तो क्रिएट कर लिया उसने। इतना माइंड है कि जीवन भी जी लेगा, पैसे भी इकट्ठे कर लेगा, सक्सेस भी कर लेगा, नखरे भी हो जाएंगे, अंदाज भी होंगे, जवाब भी देंगे फटाफट। इतना माइंड है, इंतजार कुदरत सबको देती है, मगर पायदार हर बॉडी में पायदार दिमाग मत ढूंढो, नहीं डालती कुदरत। ऐसे ही टैलेंट और स्किल नहीं डालती, ऐसे ही थोड़ी अमेरिका ढूंढ रहा है स्किल्ड पीपल। ये सारे स्किल्ड क्यों नहीं है? एक्टर जो मेरे हिसाब से जो पावरफुल एक्टर जो भी होता है, जो अच्छा एक्टर होता है, उसके पास पावरफुल माइंड होना जरूरी है। पावरफुल माइंड है और रिफ्लेक्सेस उसके फास्ट है, इसलिए क्योंकि पावरफुल माइंड है, इसलिए स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करता है। पावरफुल माइंड ही अच्छा एक्टर होगा। जिसके पास माइंड ही नहीं दिया वरेटी और रिफ्लेक्सेस और ये वो सारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जब ये पावरफुल माइंड आपके पास अच्छा है होता है ना, वो एक्टर के तो कभी भी देख लेना, बात करने में, अंदाज में, जवाब देने में, एक्टिंग करने में, स्किल ही है ना, माइंड से ही एक्टिंग करेंगे ना। अगर पावरफुल माइंड है, शार्प माइंड है, रिफ्लेक्सेस फास्ट है, तो यू आर ए गुड एक्टर। तो अब कहने का मतलब क्या है कि भले आप कैसे भी एक्टर हैं, कुदरत ने टैलेंट आपको कितना दिया है, इसके साथ एक ही बात है जो फाइनल है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और सक्सेस का एक ही राज है, हार्ड वर्क। यही तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। टैलेंट कितना है वो तो कुदरत ने तय किया है, भले आप अच्छे एक्टर हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, पावरफुल माइंड है, फिर भी हार्ड वर्क आपको चाहिए हर डिफरेंट कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। अगर आप कर्त अभ्यास एक्टर हैं तो भी आपको हार्ड वर्क तो चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव अगर होता तो लोग ढूंढ के उसी को से काम चला लेते। हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव नहीं है बस, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपका ड्रीम पावरफुल है, आगे इसके पीछे लगे रहते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर ड्रीम। इसीलिए आपके नाम का मतलब भी जुड़ के रखा है मैंने इस इंटरव्यू में, कि राणा ने जंग लड़ी बहादुरी से, और इसीलिए आपका नाम है राणा जंग बहादुर। राणा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये वही शख्स हैं जो पंजाब से निकले, गुरुद्वारा में सोने के बाद स्टेशन पे सोए, स्टेशन में सोने के बावजूद भी इतनी मेहनत करी कि उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, और आज बकायदा इतने महान इंसान हैं, इतने लवेबल ह्यूमन बीइंग हैं, और सबसे बेहतरीन और सबसे अहम बात कि ये अहम ज्ञान रखते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राणा साहब का, खासतौर से कि आपने इतना समय, कीमती समय निकाला, और वाकई में ये एक इंटरव्यू नहीं था मेरे ख्याल से तो, ये बल्कि ये कुछ ऐसी आपने बातें कही, कुछ ऐसी जो लाइनें आपने कही जो शायद मैंने वो कुछ ही सेलिब्रिटीज़ में ये नज़र आईं, और वाकई में आपका जो प्यार था वो वाकई में हमें तो छुआ ही छुआ, और वाकई में कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच सर, राणा सर, यू आर अ बहादुर ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि मेरे को चुना कि हाँ मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूँ, और अच्छी बातें हुई, आपने अच्छे सवाल पूछे। आपका और जो भी लोग ये इंटरव्यू सुनेंगे उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वी आर ऑनर्ड सर।